एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही अच्छा एक चीज। जैसे आप सभी को पता है, मेकअप करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो एज ए मेकअप कंटेंट क्रिएटर, स्किन को भी ख्याल रखना उतना ही ज्यादा जरूरी है, राइट। तो मेकअप तो मैं करती हूँ, मेकअप के बहुत सारे मेरे पास एक्चुअली ऑलमोस्ट सब कुछ ही है। बट आज मैंने, जैसे आपको पता है, पॉपल पे चला था पिंक फ्राइडे सेल। तो भाई पिंक फ्राइडे सेल चल रहा और लड़कियां भाई शॉपिंग ना करे ऐसा नहीं हो सकता। एंड आज मैं मेकअप भी बहुत आज मैं वीडियो भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल बना रही, क्योंकि एक्चुअली मैं कहीं गई हुई थी, वो वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगी। तो पिंक मैं ऑलरेडी ये सारा चीज़ मेंशन कर दूंगी। तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, पता है क्यों? इसका रीज़न आपको पता चल जाएगा क्यों मूड ऑफ है। तो अभी बॉक्स की है अनबॉक्स करने की, ये जब मैं जा रही थी तभी ये मुझे मिल गया था। तो मैं सोची चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एंड दिखाती हूँ मैं इसमें क्या क्या मंगाई हूँ। तो चलिए फटाफट इसको ओपन करते हैं। एंड अनबॉक्सिंग की जो खुशी होती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। सो वेट, सबसे पहले मैंने मंगवाया है, एक्चुअली मैं इसे यूज़ कर ही रही हूँ, और ये मैं मंगवाई हूँ डॉट एन की का स्किन केयर, जो कि विटामिन सी और इन ई के साथ आया हुआ है। हाँ, तो मैंने पैकेजिंग ऑलरेडी ओपन कर लिया है, और जैसे मैंने आपको बताया, मैं इसे वापस रीऑर्डर की हुई हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा मुझे लगा। और सच बताओ तो ये विटामिन सी और ई के साथ आ रहा है, तो डेफिनेटली स्किन केयर में सी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन सी आपको तो पता ही है, अपने चेहरे को ब्राइटन अप करने के लिए। तो ये ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैंने ये वापस रिपर्चेस किया है। ओके, चलिए मैं दिखाती हूँ अपना सेकेंड परचेस। ज़्यादा मेकअप, मतलब कोई अच्छा मेकअप करती हूँ पार्टी वगैरह तब मैं ये यूज़ करती हूँ, अदरवाइज नॉर्मल मैं मेकअप करती हूँ तो है मेरे पास वो। बट फिर भी मैंने ये ब्लेंडर एक मंगवा लिया क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ओके, जाती हूँ मैं थर्ड अपना परचेस पे। तो यहाँ पे मेरी मम्मी दे रही है मेरे को। तो वैसे तो मैं यूज़ करती हूँ मैट्रिक्स का शैम्पू, सिया बटर वाला, ठीक है। बट इस बार मैंने सोचा थोड़ा अलग करते हैं, क्योंकि मेरा हेयर आप देख रहे हो कितना ज़्यादा फ्रिजी हो रखा है और बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो मैं अभी लगा रही हूँ लोरियल पेरिस का हाइलुरोनिक मॉइस्चर 72 मॉइस्चर शैम्पू है, और इसमें जो है वो जो उन्होंने दिया इंस्ट्रक्शन, रीप्लम्स हेयर विथ लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन है, हाइड्रेट हेयर एक्चुअली है। और इसकी फ्रेगनेंस, अच्छा ये पूरा पैकेजिंग है, मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। इसकी पैकेजिंग मैंने वो कर लिया, और इसका अच्छा ही है। ये मुझे पड़ा है 209 का, इसका कुछ डिस्काउंट हुआ था, आई थिंक 118 या फिर 19 में मुझे मिला है। और इसका जो ml है वो है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, मैं मेंशन कर दूंगी आप लोगों को। ओके, ऑलमोस्ट जो है वो मेरे पास सारा ख़त्म है। लास्ट जो है मेरे पास दो प्रोडक्ट है, ये मैंने, ये भी मैं ऑलरेडी यूज़ कर ही रही थी। मेरा ना आज पता आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, वरना मैं ऐसे वीडियो कभी नहीं बनाती हूँ। बहुत अपने वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। और मैंने जैसे आपको बताया कि हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि मेरा जो थर्ड नेक्स्ट परचेज था, पता नहीं मैंने आपको कितने सारे प्रोडक्ट दिखाए, मुझे याद नहीं है। ये मैं सीरम यूज़ करती हूँ बायोलेज का, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। और इसमें इंस्ट्रक्शन जो है वो है डीप स्मूथनिंग सीरम, जो कि हमारे फ्रिजी को कंट्रोल करता है, फ्रिजी हेयर को एक्चुअली कंट्रोल करता है। अच्छी है सीरम, मैंने यूज़ किया है, ये मेरा सेकेंड परचेज है, तो सही है एंड काफ़ी टाइम तक चल जाता है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी वगैरह अच्छा है। ओके, और आपने देखा होगा मैं आपको अपना दिखाई थी परफ्यूम कलेक्शन, जिसमें मेरा प्लम के बहुत सारे वेरिएशन मैं यूज़ करती हूँ, और मुझे प्लम के परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैंने उसे वापस मैं जैसे आपको बताई थी कि मुझे किसे रिस्टॉक करना है या नहीं, और उसके जो हवाई लुम्बा है, वनीला वाइप्स है, और एक ट्रिपिंग मोमोज बोल के है, वो सारा मैंने वेरिएंट कर ली थी। और उसमें से मेरे पास ना वनीला वाइप्स, मैं जब वीडियो बना रही थी ना उसी चक्कर में मेरा वनीला वाइप्स का ये जो कांच होता है ना, वो मेरे से एक्चुअली गिर के टूट गया था। तो सारा परफ्यूम जो है मेरा एकदम बर्बाद हो गया था ये वीडियो के चक्कर में, मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाया था। तो वापस मुझे ये
वापस मुझे ये ऑर्डर करना पड़ा। और इसकी फ्रेग्रेंस जो मैं बताऊँ ना, लाइक कपकेक, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको सेकंड परचेस किया है। और आई थिंक ये मेरे वैनिटी वर्क्स में लाइफ टाइम ये होने वाला है मेरे पास, क्योंकि मुझे इसका फ्रेग्रेंस सीरियसली बहुत ज़्यादा ऑसम लगता है। इसकी जो फ्रेग्रेंस लाइक एकदम कपकेक वनीला, एकदम वैसा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका फ्रेग्रेंस। तो मुझे प्लम के बॉडी में इससे बहुत ज़्यादा प्यार है। और मैं सेम जो है ना, सेम वेरिएंट के ही मैं बॉडी वॉश भी यूज़ करती हूँ। तो ये सारे मेरे परचेसिंग थे, जिसमें से मेरा 1, 2, 3, 4, 5 या 6 था। और ये मुझे नायका की तरफ से एक छोटी सी ट्रायल मुझे मिली है। आई डोंट नो ये क्या है, वही मैं ओपन कर रही हूँ। वैसे तो नायका वाला देखो कुछ ना कुछ फ्री गिफ्ट देते ही रहते हैं ट्रायल में, ताकि मैं यूज़ करके देख पाऊँ। ओके ओके, सेम ही है, इसका छोटू सा मुझे मिला है, मॉइस्चराइजेशन ही है, तो अच्छी है, चलो बहुत ही अच्छा था। तो आप लोगों को मेरा कलेक्शन कैसा लगा मुझे बताइएगा, और आप लोगों ने सेल में क्या क्या मंगवाया ये भी मुझे बताइएगा। तो मैं वीडियो को फिलहाल यहीं पे कर रही हूँ ख़त्म गाइस, क्योंकि मुझे जाके नहाना भी है और मैं शैम्पू का ज़्यादा वेट कर रही थी, और मैं अगर अनबॉक्सिंग कर लेती तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो मैं सोची चलो अब ड्रेस पहनी हुई तो चलो बना ही लेते हैं वीडियो। तो अभी मैं जा रही हूँ इसे यूज़ करने के लिए, और इसका यूज़ करने के बाद मैं आपको इसका रिव्यू बताऊंगी। तब तक बाय गाइस, लव यू, जय श्री राम, एंड मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही न्यू ब्लॉग में। तब तक बाय। अच्छा, और एक चीज़, मैंने जितना भी दिखाया ना कलेक्शन, ये सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ मेंशन नहीं इसमें कि ये फॉर वोमेन के या फिर मेन के, ये यूनिसेक्स प्रोडक्ट है। तो आप इस ये भी यूज़ कर सकते हो, आप सीरम यूज़ कर सकते हो, आप शैम्पू यूज़ कर सकते हो, मॉइस्चराइजेशन यूज़ करते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल प्रोडक्ट है आप दोनों के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तब तक बाय गाइस, लव यू।